एक, दो, तीन, चार, पांच। तैयार रहो, मैं आ रही हूं। कर्नल लॉरेंस, मुझे बताइए आपकी बेटी कहाँ है? सपने के धुंध में, डर और झूठ के दायरे में मुझे अपने पैरों के नीचे का रास्ता दिखाइए। इसकी लाश को देखकर लगता है कि इसे दो बार मारा गया है। एक बार सर के पिछले हिस्से पर मारा गया, उसके बाद इसके माथे पर भी मारा गया है। देखो, ऐसा लगता है कि अपराधी पत्थर को अपने साथ ले आया था। मुझे यहाँ आसपास कोई पत्थर नहीं दिखता। प्रिंस को अपनी बंदूकों का उपयोग करने का मौका ही नहीं मिला। क्या ये भरी हुई है? हाँ हाँ बिल्कुल, मानो वो किसी लड़ाई के लिए यहाँ आया हो। डॉक्टर मिल्स कहाँ पर है? किसी ने कहा वो शहर गए थे और रात वहीं रुकने वाले हैं। घर में कोई भी अजनबी नहीं है और ना ही जेन लासेल हैं। मैंने पूरे घर की तलाशी ले ली। यहाँ की अच्छे से जांच कर लो और सबूत के तौर पर ही बंदूक ले लो। एंटोन, ये बहुत गंभीर मामला है, इसलिए ध्यान रहे कि तुम्हें ठीक से छानबीन करनी है। मैं होटल जा रहा हूँ। आज रात मैं तुम्हारा घर पे बेसब्री से इंतजार करूंगा, तुम्हारा गॉर्डन। तो ये बात है। नीना डार्लिंग, मैं यहां हूं माय डियर। नीना मेरी जान, हेलो मिस्टर वाकोव, इलिया पेट्रोविच, याकोव प्लेटोनविच, हेलो। मैं वापस आ गया हूं।
कि आपको ये इतना पसंद आ गया। ये एक अच्छा शहर है, लेकिन मैं घूमने फिरने के लिए ज़टोंस्क नहीं आया था, आप समझे? हाँ, मैं समझ तो गया, लेकिन इनसे मिले ये मेरे सहायक मिस्टर जिलायेव याकूब प्लेटनोविच। क्या मैं आपसे थोड़ी देर बात कर सकता हूँ? तो याकूब प्लेटनोविच, मुझे नहीं पता था कि मैं इतने जल्दी वापस आ जाऊंगा। मुझे सेंट पीटर्सबर्ग से स्थानीय पुलिस पर नजर रखने के लिए भेजा गया है। तुम्हें पता है क्यों? मुझे नहीं पता। आजकल इस जगह पे अपराध का स्तर काफी बढ़ गया है, लोग काफी नाराज हैं, इसलिए मैं आज सुबह आ गया। मैं आपके लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ मैं जरूर करूंगा। मुझे भी यही उम्मीद है। माफ करना, मुझे अब जाना होगा, कुछ जरूरी काम है। वैसे आपको तो हमारे प्रिंस रजुमोस्की की मौत के बारे में पता ही होगा। हाँ, मुझे सूचना मिली है। मैं बस आज ही तो ट्रेन से उतरा, और अब ये तुम सोच सकते हो कि सेंट पीटर्सबर्ग के लोग क्या सोचेंगे। क्या तुम्हें कुछ सुराग मिला है? अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन हमने कार्रवाई शुरू कर दी है और घर की तलाशी ली जा रही है। गुड लक मिस्टर याकूब प्लेटनोविच, मैं जल्द ही मिलने आऊंगा। कॉफी? अंदर आ जाओ। डार्लिंग, तुम इसे नहीं पढ़ सकती, ये मेरा स्टडी रूम है। जब मैं यहाँ नहीं हूँ तो तुम नहीं आ सकती। हम इस पर बाद में बात करेंगे। देखो, मैं तुम्हारी बीवी हूँ और कल रात को हम दोनों और करीब आ गए हैं ना? हाँ डार्लिंग, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मेरे स्टडी रूम में तुम्हें नहीं आना है, समझ गई? बैठ जाओ। क्या कहा? बैठ जाओ, हमें बात करने की जरूरत है। डियर ब्राउन, परेशान न हो, ये उतना बुरा भी नहीं है जितना लग रहा है। और देखो, तुम इस बात को मत भूलो कि कल हम कितने करीब आ गए थे, समझ रहे हो ना तुम? तो तुम तैयार हो? मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के हित में काम कर रही हूं, मुझे तुम्हारे सारे एक्सपेरिमेंट्स के नोट्स चाहिए। क्या मैं फिर से दोहराऊं? क्या तुम मजाक कर रही हो? बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही। प्लीज मेरी बात का जवाब जल्दी से दे दो। मैं गाड़ी को बुलाता हूं। क्या तुम्हें कुछ याद आया? शायद तुम्हें याद होगा कि हमारे केमिस्ट्री लेसन के दौरान तुम मुझे स्टडी में अकेला छोड़ दिया करते थे। तुम्हारे डेस्क से मेरे पास बहुत सारे कागजात हैं और मैं ये दावा कर सकती हूँ कि तुमने ही मुझे वो दिए थे। तुम चाहती क्या हो? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारे काम की सारी जानकारी चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, तुम एक अंग्रेज हो, फिर भी तुम अपने सरकार की मदद क्यों नहीं करना चाहते हो? मैं समझती हूं तुम्हें गुस्सा है, क्योंकि उन्होंने कभी भी तुम्हारे विचारों को स्वीकार नहीं किया है
और तुम उन्हें रूस में लागू करना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ बदल सकता है। बस एक बार तुम बोल दो और तुम्हारा देश तुम्हारा खुले दिल से स्वागत जरूर करेगा। प्लीज। तुम जरा सोचो, हम लंदन जाएंगे जहां तुम्हें सम्मान और ढेर सारे पैसे मिल सकते हैं। प्लीज इसके बारे में एक बार शांति से सोचो, सोचो कि क्या क्या हो सकता है। मैं बाहर जा रही हूं। तो वो बिना शब्द कहे ही निकल गया? जी सर, मैंने उन्हें बाहर जाते हुए अचानक देख लिया था। वो आमतौर पर इतनी जल्दी बाहर नहीं जाते हैं। तुमने वक्त क्या बताया था? मेरे ख्याल से 6:30 बज रहे थे सर। हाँ हाँ, ये तो काफी जल्दी है। अच्छा ये बताओ, वो गया कैसे? क्या मतलब सर? क्या वो सिर्फ टहल रहा था या किसी खास मकसद के साथ चल रहा था? शायद किसी खास मकसद से गए थे, वो भी बगीचे में। बगीचे में? क्या तुमने वहां किसी और को देखा? जी नहीं, वहां और कोई भी नहीं था सर। तो शायद वो तुम ही थे जिसने पत्थर लेकर प्रिंस का पीछा किया था। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? मेरे मालिक ने कभी भी बुरा नहीं किया है मेरे साथ, तो मैं भला ऐसा कैसे करूंगा? फ्रांसीसी कहां है? वो 2 हफ्ते पहले बाहर चला गया सर। वो कभी मिलने आया था? नहीं सर, वो नहीं आया। कहां गया है वो? मुझे नहीं पता, दरअसल उन्होंने मुझसे कुछ कहा नहीं था। चाबी कहां है सेफ बॉक्स की? मुझे नहीं पता, वो ये सारी बातें नौकरों को नहीं बताते। एक काम करो, जिन खतों को प्रिंस ने तुम्हें पोस्ट करने के लिए कहा था वो लेकर आओ, और मुझे एक कप चाय पिला दो। जी सर। मेरा मुंह सूख गया है। जब मुझे आपके शहर में पिछले साल की दुर्घटनाओं के बारे में पता चला था, मुझे लगा मैं किसी भी चुनौती के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रिंस रजुमोस्की की हत्या एक भयानक हादसा है। पूरी तरह से एक आफत। मैं अभी तक इस बात को हजम नहीं कर पाया कि यह सब क्या हो रहा है। हम काम कर रहे हैं, स्टॉलमन भी काम कर रहे हैं। जी हाँ, मुझे पहले ही उसके साथ बात करने का मौका मिल गया था। याकोब प्लाटनोविच इस मामले को हल करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी पकड़ा जाएगा, उसे सजा भी मिलेगी निश्चित रूप से। मुझे कोई शक नहीं है, वो कभी नाकाम नहीं होता है ना? एब्सोल्युटली कभी नहीं, वो काबिल है। बेशक। मजे की बात यह है कि जितने ज्यादा केस स्टॉलमन हल करते हैं उतने ही नए होते हैं। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ भी नहीं, सिर्फ जो देखा वो कहा। आप इस शहर में बढ़ते अपराध के बारे में क्या कहेंगे मिस्टर निकोल? नैतिकता खत्म हो गई है। ये एक अस्पष्ट जवाब है। मेरे पास सिर्फ यही जवाब है। बहुत बुरा है, हम दूसरी वजह की तलाश करेंगे। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ बिल्कुल। जहां तक स्टॉलमन का सवाल है, वो हर केस को हल नहीं करता है। वो अंग्रेज लड़की अभी भी गायब है। इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल चल रहा है। प्लीज मुझे केस की सभी जानकारी दीजिए। बेचारी एलिस लॉरेंस पता नहीं कहाँ गायब हो गई। सेफ बॉक्स की चाबी कहां पर है?
मुझे नहीं पता सर, मैंने उसे कभी देखा नहीं है। मिस्टर कोर्बिनिकोव, हाँ, क्या आपने मुझे पहचाना? बेशक मिस्टर उवाकोव। ठीक है, मुझे जटोंस्क पुलिस पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया गया है। जांच कैसी चल रही है? काम तो चल रहा है, और हम यहाँ पर विक्टिम के कागजात की जांच कर रहे हैं, उसके दस्तावेज पत्र। क्या तुम इसे अकेले कर रहे हो? मिस्टर स्टोलमन कहाँ है? वो प्रिंस के रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। क्या कुछ काम की चीज मिली? नहीं, अभी तक तो नहीं। हाथ में क्या है? प्रिंस का खत है, स्टोलमन को लिखे गए खत का ड्राफ्ट है। प्रिंस स्टोलमन को खत लिखता था, ऐसा लगता है। इसमें किसी लड़ाई का उल्लेख है, क्या वो लड़ने जा रहे थे? मुझे नहीं पता, हालांकि लाश के पास लड़ाई के लिए पिस्तौल पाए गए थे। ओ, तो समझा। मिस्टर कोरोविनिकोव, तुम्हें इस मामले को अपने हाथ में लेना चाहिए। केस के हित में मुझे मिस्टर स्टोलमन को इस केस से हटाना होगा। मुझे ऐसा नहीं लगता। मैंने कहा ना, तुम इसे संभालोगे। स्टोलमन को निलंबित कर दिया गया है, तुम मुझे आकर रिपोर्ट करोगे। जैसे स्टोलमन वापस आता है मुझे सूचना देना। गुड बाय। यहाँ मेहमानों का आना मना है। कहो कि पुलिस डिपार्टमेंट से स्टोलमैन आए हैं। मुझे आदेश है, मेहमानों को इजाजत नहीं है। मैं तुमसे जो कह रहा हूँ वो करो। इस वक्त मैं यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, समझे? जाकर मिस्टर ब्राउन से कहो कि मैं मिलने के लिए आया हूँ। ओके सर, मैं पूछ कर आता हूँ। मिस्टर ब्राउन। मिस्टर स्टॉलमैन, आपको मुझसे क्या काम पड़ गया? मिस निजिंस्किया यहाँ पर है, मुझे उनसे बात करनी है। वो कुछ देर पहले ही यहाँ से चली गई। क्या आप बता सकते हैं कि कल रात को वो यहाँ पर थी या नहीं? इससे आपको क्या मतलब है मिस्टर स्टॉलमैन? प्रिंस राजुमोंस्की की मौत हो गई है, और उस सिलसिले में मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने होंगे, समझ गए? बड़ा सोच समझ कर और संभल कर जवाब दीजिएगा। अगर कुछ ऐसा हुआ है तो फिर सोच समझ कर ही जवाब देना होगा। मैं तैयार हूं, पूछिए। मिस निजिंस्किया कल यहां कितने बजे आई थी, बताइए। वो सुबह 6 बजे यहां आई थी। और वो गई कब? यही कोई 1 घंटा पहले। क्या रात में वो कहीं इस घर से बाहर गई थी? बिल्कुल नहीं, हम रात में एक ही बिस्तर में सोए। अब तो तुम खुश होगे स्टॉलमैन। बहुत ज्यादा। उसने प्रिंस को नहीं मारा है? नहीं, बल्कि उसने तो मुझे मार डाला। मेरी जान ले गई वो।
मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या कहूं, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। इससे पहले कि वो किसी और का दिल तोड़े या वो किसी और को मारे, उसे गिरफ्तार कर लो स्टॉलमैन, वरना कोई उसे और मार देगा। पर उसे कोई क्यों मारेगा? वो मरेगी, जरूर मरेगी, अपनी नमक हरामी की वजह से। ये आप क्या कह रहे हैं? उसने क्या किया है? उसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा। क्या उसने आपको धमकी दी है या कुछ और? वो मुझे मारना चाहती थी। मैं इसके अलावा अपने मुंह से और कुछ भी नहीं कहना चाहता। मिस्टर ब्राउन, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब मेरे कंधों पर है। ये जानकर खुशी हुई। क्या आप कर्नल वर्फुल उमेव को जानते हैं? बिल्कुल जानता हूँ। देखिए, आपकी सुरक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया गया है। अगर आपको मुझसे कुछ कहना है तो आप बेझिझक मुझसे कह सकते हैं। मिस्टर स्टॉलमैन, आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए कुछ पीते हैं, एंजॉय करते हैं, आइए। ठीक है, तो मैं अब चलता हूं। सर, अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय। आप मिस्टर लॉरेंस को जानते हैं क्या? लॉरेंस? हाँ, जानता हूँ, लंदन से जानता हूँ। क्या आप उनके और उनकी बेटी के बारे में कुछ जानते हैं? हाँ, जहाँ तक मुझे याद है, उनकी एक बेटी थी। ओह माय गॉड, मैं कैसे भूल गया, नीना। मिस्टर ब्राउन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉक्टर, मुझे सब पता है, बताइए वो कहाँ है। आपका पेशेंट भाग गया तो आपको निकाल क्यों नहीं दिया गया? उन्होंने कहा था कि अगर एलिस वापस आएगी तो उसकी ठीक से देखभाल करनी होगी। वो वापस कैसे आ सकती थी? सर ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, वो मुझे समय पर पैसे दे दिया करते थे। आखिरी बार तुमने प्रिंस को कब देखा था? करीब 3 दिन पहले। मैं ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हूँ। क्या उसने तुम्हें कुछ बताया? उन्होंने मुझे एलिस के कमरे को साफ करने, धूल पोछने और फर्श को पोछने को कहा था। वो एलिस के वापसी की उम्मीद कर रहे थे, मुझे ऐसा लगता है। स्टॉलमैन को पता है, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने तुम्हें किडनैप कर लिया। किडनैप कर लिया है? मुझे पता था कि याकोब लाडुनविच जल्द ही ये पता लगा लेंगे कि हम कहाँ हैं, इसीलिए मैंने इसे गांव से ले जाने का फैसला किया। अब हमें जाना चाहिए, हमें स्टॉलमैन के पास जाकर उसे सब कुछ बता देना चाहिए। तुम सही हो, लेकिन अभी नहीं। याद रखना, सब कुछ स्टॉलमैन पर निर्भर नहीं होता है, पुलिस और प्रिंस आ सकते हैं। मुझे पुलिस नहीं चाहिए, प्रिंस नहीं चाहिए। आपने ये सब कैसे किया? तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो।
मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी, अब हमें चलना चाहिए। हाँ ठीक है। तुम यहाँ आई मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने डॉक्टर से पहले ही फोन करने को कहा था, उन्होंने कहा कि नहीं। तुम पहले ही बहुत मसरूफ रहती हो। एना विक्टोरोना, ये सच कह रही है, तुम समझ सकती हो, इसमें अविश्वास नहीं है बल्कि तुम्हारी सलामती की वजह थी। डॉक्टर, मैं समझ सकती हूँ आप क्या कह रहे हैं। लगता तुम बहुत बिजी हो, कोई काम की चीज मिली? नहीं, कुछ खास तो नहीं मिला। ये देखिए, प्रिय महोदय, कल सुबह 6:30 बजे मेरे घर आ जाइएगा। मैं बताना चाहता हूं कि कुछ काम बाकी हैं और उन्हें मैं जल्द से जल्द खत्म करना चाहता हूं। आप मेरे बगीचे में मिल सकते हैं। एंटोन, ऐसा लग रहा है कि किसी ने इसे मेरे लिए लिखा है। इसमें कल की तारीख है। हाँ बिल्कुल सही, मैंने इसे कचरे के डिब्बे में पाया, ड्राफ्ट की तरह दिखता है। मैं हैरान हूँ कि खत कहाँ है, क्या आपको मिला? नहीं, मुझे तो नहीं मिला। प्रिंस सच में भरी हुई पिस्तौल के साथ 6:30 बजे बाहर चला गया। सब कुछ एकदम फिट बैठता है। लेकिन मुझे खत नहीं मिला एंटोन। हाँ मुझे आपकी बात पर भरोसा है, सिर्फ एक यही अजीब बात नहीं है। और ये देखिए याकोब प्लेटोनोविच, ये एक और खत भी है। ये तो डॉक्टर मिल्स की लिखावट लग रही है एंटोन। हाँ लेकिन ये कोई फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। अब ये क्या नया मामला है? किरिल व्लादिमीरोविच, जिसे आप ढूंढ रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहती है कल सुबह 6:30 बजे। वो आपसे मिलने के लिए आएगी और सुबह के वक्त के पीछे एक गंभीर वजह है। प्लीज आप उससे बात करें, हम सभी को उसकी जरूरत है। वो समझती है और बात करने के लिए तैयार भी है। उम्मीद है आप उससे मिलेंगे। इस खत पर तो किसी के साइन भी नहीं है। इसका क्या मतलब है? क्या ये मिस एलिस हो सकती है? जो भी हो एंटोन, पर ये थोड़ा अजीब है कि प्रिंस की 2 मीटिंग तय हुई थी, वो भी एक ही वक्त पर, और उनमें से एक लड़ाई के लिए थी। और कोशिश करो, हमें कुछ और मिलेगा जल्द ही। हाँ सर। तुम काम शुरू करो एंटोन। अपना ख्याल रखना। आपने मेरे डैड को देखा था ना? हाँ, मैंने उन्हें तुम्हारी कविता सुनाई और वो मुझे यहाँ लेकर आ गए। हम कहाँ जा रहे हैं? मैंने सोचा कि एलिस आज रात मेरे साथ रह सकती है, कल मैं उसे अपने रिश्तेदारों के पास भेज दूंगा। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है, वो मेरे साथ रह सकती है, कोई भी वकील मिरोनोव के घर की तलाशी नहीं लेगा। खैर आपकी बात तो सही है। आपके परिवार वालों को ऐतराज तो नहीं होगा? बिल्कुल नहीं, उन्हें मदद करने में बहुत खुशी होगी। तब तो मैं एलिस को तुम्हारे हाथों में देखभाल के लिए छोड़ सकता हूँ। मैं काम पर चला जाऊंगा, ठीक है? जाओ भाई। डॉक्टर तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझे बचा लिया। डॉक्टर मिल्स ने मुझे भी चौंका दिया। अच्छा तुम मेरे डैड को कब देख सकती हो? क्या तुम कुछ जानना चाहती हो? मैं उनसे कुछ भी पूछ सकती हूँ। सच में? हाँ। और ये सब बातें मैं भी सुन सकती हूँ? नहीं तुम सुन नहीं सकती, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच का मीडियम बन सकती हूँ। चलेगा? हाँ। तो इसके लिए हमें एक शांत जगह पर जाना पड़ेगा। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। तुम्हें एक नॉर्मल लड़की देख के बहुत अजीब सा भी लग रहा है। हाँ मुझे पता है ये अजीब है, पर आपको आदत हो जाएगी इसकी। मुझे बताओ, क्या तुम पूरे समय एक्टिंग कर रही थी? हाँ एक्टिंग कर रही थी। मुझ पे गुस्सा मत होना, मुझे जिंदा रहने के लिए एक्टिंग करनी पड़ी, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें धमकी किसने दी थी? प्रिंस ने। प्रिंस? किरिल व्लादिमीरोविच ने तुम्हें मारने की कोशिश की? प्रिंस ने? मजाक मत करो। ये मजाक नहीं है।
मिस्टर वाको, तुम ज्यादा ही दखलंदाजी कर रहे हो। मिस्टर पुलिस चीफ, मैं गुनाह के प्लान को समझकर उसके बारे में रिपोर्ट करने की जल्दी में हूँ। तुम्हारा मतलब मैं समझा नहीं। एलिस लॉरेंस एक ब्रिटिश जासूस है, किसी ने प्रिंस के घर से भागने में उसकी मदद की है। मुझे लगता है कि ये डॉक्टर मिल्स थे और स्टोलमन उनके लिए कवर कर रहे थे। ये क्या कह रहे हो, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। वैसे एलिस एक अंग्रेजी लड़की है, लेकिन मिल्स और स्टोलमन गुनहगार नहीं हो सकते। ये एक खतरनाक लापरवाही है। मुझे तुम्हारी बात का कोई भी प्रमाण नहीं दिख रहा है मिस्टर वाकोव, खास करके जो तुम बोल रहे हो। मिल्स ने ए के साथ वक्त बिताया है, आखिर कौन है ये ए? क्या ये ए आपका एजेंट है? नहीं, शायद स्टोलमन का कोई आदमी हो सकता है, इसलिए ये पता लगाना आसान है कि ये ए एलिस हो सकती है। इसका मतलब है कि वो पूरे समय ये जानता था कि एलिस लॉरेंस कहाँ है। क्या उसने आपको इसके बारे में बताया था? नहीं। देखा, वो आपसे एक अंग्रेजी जासूस को छुपा रहा है, प्रिंस रजुमोस्की की हत्यारिन। तुमको ऐसा क्यों लगता है कि उसने उसे मार डाला है? ये बस एक ख्याल है। कोरोबेनिको ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि प्रिंस को उसके सेवक ने ही मार डाला है। क्या कोरोबेनिको ने यह कहा कि प्रिंस की स्टोलमन के साथ एक मीटिंग थी उसी सुबह को? नहीं, इसलिए हमें उससे पूछताछ करने की जरूरत है। मैं बाद में करूंगा, तब तक जांच करते रहो। क्या तुम इस मामले में मुझसे भी पूछताछ करोगे? हाँ, अगर मुझे आदेश मिला तो जरूर करूंगा। तब तो मैं वापस काम पर जाना पसंद करूंगा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। वैसे स्टोलमन कहाँ है? पता था। हाँ, ये अच्छी जगह है। यहाँ तुम तैयार हो? आओ, कर्नल लॉरेंस की आत्मा मेरे सामने आओ। आओ, कर्नल लॉरेंस की आत्मा मेरे सामने आओ। आओ, कर्नल लॉरेंस की आत्मा। कर्नल, अब आप मेरे जरिए अपनी बेटी से बात कर सकते हैं। क्या वो यहाँ है? हाँ, तुम्हारी ओर देख के मुस्कुरा रहे हैं। एक अंग्रेज वैज्ञानिक दिखाया, एक वैज्ञानिक गॉर्डन ब्राउन। ये गॉर्डन ब्राउन है। एलिस कहाँ है? मुझे पता नहीं। एलिस ने प्रिंस को मार डाला है, हम उसे हर जगह ढूंढ चुके हैं पर वो कहीं भी नहीं मिली। डॉक्टर, आप बताइए एलिस कहाँ है? मैं उससे शहर में ही अलग हो गया हूँ, उसने मुझे प्लान के बारे में नहीं बताया। डॉक्टर मिल्स, आपको इस बात का अंदाजा भी है कि उसने किसी की जान ली और आप उसकी मदद कर रहे हैं? नहीं, ऐसा मत कहो।
एलिस ऐसा नहीं कर सकती। तो डॉक्टर मुझे बताइए कि आपको इस बात पे यकीन क्यों है कि वो निर्दोष है? मुझे यकीन है क्योंकि वो नहीं कर सकती। जरा सोचिए डॉक्टर, एलिस ने मिस क्रोचकिना को उसी तरह से मारा जिस तरह से उसने प्रिंस को मारा था। बताइए मुझे कहाँ है वो? वो अलग बात थी, वो सदमे की हालत में थी। डॉक्टर मैं अच्छे से जानता हूँ कि आप झूठ बोल रहे हैं। एलिस अभी जिंदा है लेकिन उसने किसी को बताया नहीं है कि वो कहाँ है। देखिए डॉक्टर मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि आपको कोई भी परेशानी हो, इसलिए आपको मेरे साथ पूरा कोऑपरेट करना ही होगा। आपने प्रिंस को एक नोट लिखा था जिसमें आपने उसे एलिस से मिलने के लिए कहा था, आपने ऐसा क्यों लिखा था डॉक्टर? एलिस ऐसा चाहती थी, उसने मुझे वजह नहीं बताई। मेरे डैड लंदन में गॉर्डन ब्राउन को जानते थे, मैं बहुत छोटी थी, उन्होंने मुझे बाद में बताया था। तुम्हें पता है हमारे रूस जाने का कारण मिस्टर ब्राउन ही थे। मुझे कुछ धुंध दिखाई दिया, मुझे कुछ सैनिक और धुंध दिखाई दिए। उन्होंने कुछ खोज की थी, मैंने इसके बारे में कोड में लिखा था, मुझे सिर्फ इतना ही याद है। इसलिए राजू मौसकी को तुम्हारी जरूरत थी। हाँ, क्या आपको यकीन है कि उसने ये काम नहीं किया है? हाँ पूरा। जब वो वापस आई तो उसने कहा कि मीटिंग नहीं हुई। मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूं कि आप सच में नहीं जानते कि वो कहां पर है? ठीक है, एना विक्टोरोना उसे अपने साथ ले गई। चलो चलते हैं। अब पता नहीं क्या होने वाला है। डॉक्टर इस वक्त मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता हूं। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें छुपा देता हूं। डॉक्टर मिल्स, क्या आपने मुझे पहचाना? पहचाना पर आपका नाम उवाको। ओके मिस्टर उवाको, आपने मरल बैंड की जांच में भाग लिया था है ना? हाँ, ये मेरे सहायक मिस्टर जिलायव है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपको हमारे कस्बे में वापस क्यों आना पड़ा? हाल ही की घटनाओं के कारण, प्रिंस की हत्या के मामले में और कुछ बातें हैं जो मिस्टर स्टोलमैन से जुड़ी हुई हैं। सच में याको ब्लडनविच ने क्या गलत किया है? उन पे एक अंग्रेजी जासूस एलिस लॉरेंस की मदद करने का संदेह है, जिसे आपने कुछ महीने पहले प्रिंस के घर से भागने में मदद की थी। मिस्टर रुआ को क्या आप खुद के बारे में कुछ भूल नहीं रहे हैं? हरगिज नहीं, मुझे पुलिस डिपार्टमेंट से ही ये पावर दिया गया है राज्य के खिलाफ एक साजिश की जाँच के लिए। साजिश? अगर जटोंस्क में कोई साजिश होती तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुझे ज़रूर पता होता। बेशक, आपको पता है, आप इसका एक हिस्सा है। बकवास। स्टोलमैन और अंग्रेजी जासूस एलिस लॉरेंस के साथ, वो कहाँ हैं बताओ? मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। झूठ, आप पहले भी कुछ छुपा रहे थे और आप अब भी छुपा रहे हैं। मुझे उस बेचारी लड़की पे तरस आता है और मुझे हमेशा ऐसा लगा है, लेकिन मैं उसके जासूसी के काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। फिर से कहता हूँ, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। खैर, हमें दूसरी जगह बात करनी होगी। आप हिरासत में हो? किस आरोप पर? क्योंकि मुझे हैरानी हो रही है। एक अंग्रेजी जासूस की मदद और साजिश करता स्टोलमैन के साथ मिली भगत के लिए। बकवास, हमारे साथ चलिए। मुझे अपनी चाबी खोजने दो। समय बर्बाद करने की कोशिश ना करें। लेकिन दरवाजा? आपका पेशेंट भाग नहीं जाएगा। Thank you.
क्या ये जरूरी है कि आप यूं आगे पीछे घूमते रहें? मैं बैठा नहीं रह सकता। आप उसे बहुत ज्यादा आजादी देते हैं, वो कभी घर पर होती ही नहीं है। प्लीज मुझे लेक्चर मत दो। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। स्टॉलमैन पुलिस स्टेशन में मौजूद नहीं है और एना भी वहां नहीं गई है। पता नहीं वो कहां गई होगी। अरे नहीं। मुझे आशा है कि वो प्रिंस के मामले से दूर रहेगी। वो पुलिस से जितनी दूर रहेगी उतना ही बेहतर होगा। मैंने तुमसे कहा था कि उसकी माँ को घर घर उसे ढूंढने जाना पड़ेगा और उसके पिता घर में पागलों की तरह घूमेंगे। न्यूशा, न्यूशा, शुक्र है कि तुम आ गई मेरी बच्ची न्यूशा। आई एम रियली सॉरी, आपको मेरी वजह से इतना परेशान होना पड़ा, मुझे माफ कीजिएगा। मेरे पास एक खबर है। अच्छा लगा, हमारे पास भी एक खबर है। जाहिर है कि वो इतनी अच्छी नहीं है। रुक जाइए, पहले मैं बताऊंगी। मैं इंतजार नहीं कर सकती, वो दरवाजे के पीछे ही है। रुक जाइए। ये तुम्हें कहाँ मिली? माफ कीजिएगा, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मुझे मौका ही नहीं मिला, इसलिए। क्या स्टॉलमैन को पता है? मैं खुश हूँ कि तुम आ गई। जब तक सब कुछ ठीक ना हो जाए, मैंने उसे हमारे साथ रहने को कहा है। ठीक हो जाए? एना तुम्हें पता है, पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। ये कौन है? इलाज के लिए उसे डॉक्टर की जरूरत है। डैड, एलिस के बारे में ऐसी बात मत कीजिए जैसे वो कभी यहाँ आए। एलिस कौन है? एलिस बिल्कुल ठीक है। आप दोनों मुझे बहुत ही शर्मिंदा कर रहे हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने एना से कहा था यहाँ रहने में। शर्मिंदगी? कैसी शर्मिंदगी? एक लड़की इतने बुरे हालातों में है, ये जानते हुए भी हम उसकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, इससे बुरा और क्या होगा? मैं सबसे माफी मांगती हूँ, गुड बाय। एलिस रुको, तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हारे लिए ऊपर का एक कमरा तैयार करती हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें ये मिली कहाँ से? डैड, इससे क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं, उसे मदद की जरूरत है और हम उसकी मदद कर सकते हैं। या तो एलिस यहाँ रहेगी या फिर मुझे भी जाना होगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें पता है। ये मत भूलो कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। नुईशा, तुम भला करना चाहती हो लेकिन किसी गुनहगार को तुम घर में नहीं ला सकती। गुनहगार? मैं जा रही हूँ। एलिस, एलिस, नुईशा, वो चली गई। अच्छी बात है, वो समझ गई यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है। तो मैं भी अब यहाँ नहीं रहूंगी, बेहतर होगा मैं किसी होटल में चली जाऊँ। ये तुम क्या कर रही हो? ठीक है, तो मुझे मेरे कपड़े भेज देना प्लीज। एक गुनहगार के लिए तुम ये सब क्यों कर रही हो? उसके बारे में ऐसा मत कहिए। एना, हो सकता है उसने ही प्रिंस को मार दिया हो। क्या? बताने का तुमने मौका नहीं दिया। आज सुबह प्रिंस को मार दिया गया। एना विक्टोरोना, एना विक्टोरोना, याकूब प्लाटनविच, एना तुम कहां जा रही हो? मुझे अभी भी पता चला प्रिंस की हत्या हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ये बात सच है लेकिन तुम जा कहां रही हो? क्या मतलब? मैं राजू मोस्की के घर जा रही हूँ, उनसे बात कर सकती हूँ। एना, क्या तुम कल तक रुक नहीं सकती हो? नहीं याकूब प्लाटनविच, मुझे हमारी आखिरी बातचीत याद है जब तुमने मुझसे कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। हाँ मुझे याद है लेकिन एना। तो फिर उस पे कायम रहो। इस वक्त वहां पर जाना खतरनाक है, इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं। चलो प्रिंस के घर चलते हैं। ठीक है लेकिन एलिस कहां पर है? वो तुम्हारे साथ थी? हाँ वो मेरे साथ थी लेकिन मेरे परिवार के बर्ताव की वजह से वो भाग गई। चलो मेरे साथ।